हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी अच्छी चल रही होगी। उसी के साथ एक लेटेस्ट नई वीडियो हम आपके लिए लेके आ गए हैं अपने चैनल पर, जो कि क्रैक कंपटीशन है। अच्छी अच्छी वैकेंसीज हम डेली की हर दिन जो वैकेंसीज की अपडेट्स मिलती है हमारे को, हम डेली बेसिस पे वैकेंसीज अपडेट कवर करते हैं अपने चैनल पर। तो आपको भी अच्छी अच्छी वैकेंसीज डेली बेसिस पे जो अपडेट्स निकलती रहती है वैकेंसीज रिलेटेड, तो सब्सक्राइब कर लेना अपडेट्स पाने के लिए, साथ ही लाइक करना ना भूले इस वीडियो को। वहीं आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आ गए हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की न्यू रिक्रूटमेंट, जो कि जिसमें आपकी वेरियस पोस्ट पर वैकेंसीज निकल के आई हैं 2024 की एकदम लेटेस्ट भर्ती है। तो आप एंड ऑफ द डेट से पहले एप्लीकेशन ज़रूर दे सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इसमें आपकी स्टेनोग्राफर से रिलेटेड जो भी जिनको भी शॉर्ट हैंड वगैरह की नॉलेज है तो आप इसमें एप्लीकेशन दे सकते हैं। शॉर्ट हैंड मतलब आपकी पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट निकल के आई है, तो जो शॉर्ट हैंड में आपकी टाइपिंग स्पीड और जो कि शॉर्ट हैंड की नॉलेज मांगी जाती है वो आप इसमें आवेदन दे सकते हैं पर्सनल असिस्टेंट पोस्ट के लिए। स्टेनोग्राफर में बस ये होता है 12th पास मांगा जाता है, जबकि पर्सनल असिस्टेंट पोस्ट के लिए सेम क्वालिफिकेशंस नहीं मांगी जाती, इसके लिए आपको ग्रेजुएशन मांगा जाता है। ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास टाइपिंग की स्पीड और आपको शॉर्ट हैंड की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी में एप्लीकेशन दे सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम बात करेंगे डिटेल में। ये सभी जो पोस्ट है इनमें आप देख सकते हो 1, 2, 3, जिसमें सीनियर पर्सनल असिस्टेंट एंड जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, इन तीनों पोस्ट को मिला के ऑल ओवर इंडिया से आप एप्लीकेशन इसमें दे सकते हैं। न्यू दिल्ली की जॉब लोकेशन रखी गई है, 990 पोस्ट पर आपकी वैकेंसीज रखी गई हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन देना होगा, जो कि DSSBonline.NIC.in की वेबसाइट पर जाकर अवेलेबल इसके फॉर्म हो चुके हैं, जो कि देख सकते हो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट और लास्ट डेट भी आप सभी के सामने दिख रही होगी, जो कि 18 जनवरी 2024 से इसके फॉर्म रिसेंटली स्टार्ट हो चुके हैं। वहीं एंड ऑफ द डेट की मैं बात करूं तो 8 फरवरी 2024 इसकी एंड ऑफ द डेट है। तो जो दिल्ली के इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, दिल्ली में रहते हैं, एप्लीकेशन देना चाहते हैं, अच्छी खासी वैकेंसीज हैं दिल्ली वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो वो तो ज़रूर एप्लीकेशन दे सकते हैं। बाकी ऑल ओवर इंडिया से किसी भी इंटरेस्टेड स्टेट से आप वीडियो देख रहे हो हमारी, तो सब्सक्राइब करना ना भूले। और डेली बेसिस पे बेस्ट टू बेस्ट वैकेंसीज के अपडेट्स हमारा चैनल कवर करता है, तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो ज़रूर कर देना। वहीं चलते हैं, आपकी डिटेल पोस्ट वाइज वैकेंसीज कितनी रखी गई और कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसीज रखी गई हैं। जैसा कि आप देख सकते हो सभी का पोस्ट कोड भी डिफाइन किया गया है 801-24, जिसमें आपकी सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है जो कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में रखी गई है, जिसमें आपकी लेवल 8 की अच्छी खासी सैलरी देखने को मिलेगी। टोटल आपकी 41 पोस्ट पर रखी गई है। आप कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको डाटा मेंशन है जनरल OBC EWS और ST कैंडिडेट्स के लिए, तो अपना देख सकते हैं। वहीं पर्सनल असिस्टेंट जो कि स्टेनोग्राफर से रिलेटेड पोस्ट है, इसमें 367 पोस्ट रखी गई हैं। वहीं पर्सनल असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एंड ये आपका नेम ऑफ द डिपार्टमेंट में पोस्ट वाइज कितनी वैकेंसीज हैं ये बता रहा हूं आपको, 16 पोस्ट यहां पर आपकी देखने को मिलेगी। वही नेक्स्ट पोस्ट है हमारी 802/24, आपका ये पोस्ट कोड है, जिसमें जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में, 546 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट है, ये अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। और 18 से 27 साल के जितने भी इच्छुक आवेदन करता है इन सभी पोस्ट पर एप्लीकेशन इसके मांगे गए हैं, तो एप्लीकेशन दे सकते हैं। वहीं जूनियर असिस्टेंट के लिए 546 और इस डिपार्टमेंट के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट फैमिली कोर्ट्स के जो 20 पोस्ट इसमें है, तो टोटल कुल मिला के जो ऑल ओवर द इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स एप्लीकेशन दे सकते हैं। दिल्ली में ही आपकी सैलरी मिलेगी, दिल्ली में ही एक्सटी के हिसाब से आपके अलाउंस वगैरह ऐड होंगे और अच्छी खासी नेट सैलरी भी देखने को मिलेगी। तो 990 पोस्ट पर आपकी ये रिक्रूटमेंट निकल के आई है। DSSBonline इसकी वेबसाइट है, एंड ऑफ द डेट से पहले एप्लीकेशन इसमें आप दे सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की जो पोस्ट है इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशंस रखी गई हैं, आपकी लेवल 8 की तो सैलरी देखने को मिलेगी, साथ ही में आपका जो क्वालिफिकेशन है आपकी ग्रेजुएशन मांगी गई है, साथ ही में आपको 110 वर्ड पर मिनट की जो शॉर्ट हैंड की स्पीड आनी चाहिए वो मस्ट बी रिक्वायर्ड है शॉर्ट हैंड में, प्लस 40 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड आपको आनी चाहिए। वहीं पर्सनल असिस्टेंट की जो पोस्ट है इसमें आपकी जो है ग्रेजुएशन मांगी गई है, इसमें आपकी 100 वर्ड पर मिनट मांगी गई है स्टेनोग्राफी में, और आपकी 40 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड मांगी गई है। ये तो पर्सनल असिस्टेंट पोस्ट की मैंने क्वालिफिकेशन बताई। नाउ अब मैं बात करता हूँ सभी पोस्ट में जो क्वालिफिकेशंस है अलग अलग रखी गई हैं। वहीं जूनियर असिस्टेंट पोस्ट की एप्लीकेशन दे सकते हैं, इसकी जो क्वालिफिकेशंस रखी गई हैं आपकी इसमें ग्रेजुएशन मांगी गई है और आपकी 40 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए, तो ही आप जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए एप्लीकेशन आप इसमें दे सकते हैं। सभी पोस्ट की जो एज लिमिट रखी गई है 18 से 27 साल रखी गई है, हालांकि सभी को कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा, जो कि मिलता है OBC फॉर 3 ईयर्स एंड
5 ईयर्स उनको मिलेगा जो भी एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बाकी और कैटेगरीज को कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा ये लिमिट में। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, लास्ट डेट मैंने आपको बता दी 8 फरवरी 2024 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। DSSSB की अच्छी खासी रिक्रूटमेंट है। और वहीं फीस वगैरह की मैं बात करूँ तो ज़्यादा नॉमिनल से चार्ज है, 100 रुपये की चार्ज रखी गई है फीस जनरल ओबीसी वालों के लिए, बाकी अदर कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनकी कोई भी फीस वगैरह नहीं रखी गई है। तो दिल्ली के इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स एप्लीकेशन दे सकते हो, अच्छी कैसी वैकेंसीज निकल के आई हैं। और ऑल ओवर इंडिया से इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अच्छी अच्छी डेली बेसिस पे वैकेंसीज के अपडेट्स कवर करते हैं हमारे चैनल, तो आपको मिलती रहेगी। एंड व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन हो सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इसके अप्लाई का भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।